नाचन लग गई हो। बैठ जा, बैठ जा ना। तूने देख का फ्लैट हो गया। भाई दीपू बिल्कुल बढ़िया से शर्ट वर्ट पहन के है। और इतनी और मासी तो कोट सेट पहन रही है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत ज़्यादा बढ़िया मूड है सुबह सुबह, और क्योंकि मैंने पिया डिटॉक्स वाटर। माँ कसम, मेरे हस्बैंड का रिव्यू दूंगी मैं अपना साथ साथ, अभी नहीं। तो आज का ब्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट किया मैंने, मतलब रूम वूम पूरा साफ करके तब किया है। सब्जी मैंने ऑलमोस्ट बना दी है, उसके बाद मैंने आज ब्लॉग स्टार्ट किया है। क्योंकि आज के ब्लॉग में आपको दिखेंगे रीति, यस मेरी बहन आएगी, मेरा भाई, और हम जाएंगे आज पांचों, नहीं हम छः हो गए हैं अभी। चलो छः ही हो गए हैं हम रीति को मिला के हमारे साथ। तो हम जाएंगे आज छः, बहुत दिनों बाद ऐसा है मनाली के बाद कि हम सब एक साथ घूमने जा रहे हैं। यहीं पे नियर बाय जो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो लगा हुआ है कार्निवल, तो इसलिए मैं आज सुबह कम रिकॉर्ड करूँगी। देखते हैं रात को क्या होता है, कितना रिकॉर्ड करते हैं। फिलहाल चलते हैं किचन में, बनाते हैं खाना, फिर मिलते हैं। ये सो मैंने हेयर वॉश भी कर लिया, और आज 10 बज गए, मतलब आज मैं बहुत लेट हो गई। ये जल्दी खाना बनाओ तो भी ख़राब काम है, क्योंकि डेली में ना प्रेशर रहता है मेरे ऊपर, जल्दी बाहर निकल, जल्दी ना खाना बनाना है मम्मी का। ये आज मैंने बना दिया, मैं टेंशन फ्री हो गई, ठीक है। फिर मैं अपना थंबनेल डालने लगी, एडिटिंग करने लगी, फ़ोन आए मेरे एक दो, फिर मैंने अच्छे से नहाई, हेयर वॉश किया सब, और इतना टाइम हो गया 10 बजे तक। तो मैं खाना पहुँचवा देती हूँ परले घर, अब आज उनका खाना लेट हो गया। मैं तो फंस गई, मुझे समझ नहीं आता मैं खाना बना के पहले नहाऊँ बाद में नहाऊँ, मतलब टू मच। अपने लिए टाइम निकालते ही लेट हो जाते हो तुम, और वो तो मैं सारे काम अपने बाद में करती हूँ, रील वील सब कुछ, वरना तो भाई पता ही चले। अब जाते हैं, अब मैं इतनी स्पीड खाना बनाऊँगी। क्या खाना, 11 बज गए, ब्लॉग हो गया, पेट कट गया बिल्कुल, मैंने बना लिया भाई एक, मतलब तो मैं बिल्कुल ही मर जाऊँगी अगर मैंने नहीं खाया ना कुछ। बहुत ज़्यादा ही भूख लगने लग गई आजकल, मुझे पता नहीं दिन ज़्यादा बड़े होने लग गए गर्मी की वजह से क्या है, बट भूख ज़्यादा लगने लग गई। ज़्यादा नहीं, मतलब ये ऐसा है कि कुछ खा लूँ बस, भूख लग गई ऐसा लगता है मुझे। लगती तो है, बट पहले मैं कंट्रोल कर लेती थी, अब नहीं कर पाती। ठीक है, ब्लॉग आ गया, ब्लॉग डाल देती हूँ, फिर मिलते हैं। आ गए और मैंने बना दिया इनके लिए खाना। आज ये लेट हो गए, 2 बजे का जिनको आते आते, क्योंकि ये लेने गए थे पढ़ते, और मैंने इनको एक बार बोला, ये बोले मैं लेने जा रहा हूँ आज का खाना उन्होंने, और वो नहीं मिले, बोल रहे शाम को या फिर कल सुबह आएंगे, और ये एक आधा घंटा परेशान हो गए इसलिए, वरना 1:30 तक नॉर्मली मतलब हमेशा आ जाते हैं। और हम देख रही है वाली मूवी पूरी कर देंगे, 50 मिनट की है, और खाना खा लेंगे, फिर अब डायरेक्ट मिलते हैं शाम को, तब आएगी रीति। ओके ओके गाइस, तो रेडी, मैंने पहना है ये कोट सेट, थोड़ा लॉन्ग है ये, और इसकी बहुत लूज सी पैंट है नीचे, एकदम कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छा है। मैंने आज ही पहना है, जो मैंने आपको थोड़े दिन पहले दिखाई थी ड्रेसेस, उसमें एक ये भी था कोट सेट, इस पे ना यहाँ पे देखो कितना प्यारा बटरफ्लाई का वर्क रखा है स्टोन से, और बहुत ही अच्छे ना वो है वाइट कलर के, जो बहुत छोटे 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 स्टोन होते हैं ना वो है, 3 बटरफ्लाई है। बट ना पॉकेट होनी चाहिए, पॉकेट होना तो मुझे मज़ा आता है, पॉकेट ना हो तो मुझे अजीब सा लगता है हमेशा, बस और कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ये प्लान था 2-4 दिन पहले से, कि मेरी बहन लाई थी नई गाड़ी, यस, तो वो नई गाड़ी लाए थे शीतल और राहुल, तो उन्होंने बोला कि हम अपनी नई गाड़ी में लेके चलते हैं। और भाई मुझे हंसी आ रही है कि हम घूम के आएंगे सारे, नई गाड़ी में लेके चलते हैं, और बाय डिफॉल्ट ऐसा हुआ कि पापा मम्मी वैष्णो देवी गए हैं, तो दीपांशु भी घर पे अकेला है, तो फिर हमने सबने प्लान बनाया कि उसको बुला लेते हैं, वो घर पे अकेला रहेगा तो क्या ही फ़ायदा है ना, कि हम सब चलते हैं। बताती हूँ, फिर ऐसा हुआ कि हमारा था कि हम ना 5:30-6 बजे तक हम निकलेंगे। मैंने बताया था वो फिश एक्वेरियम तो बोल रहे हैं कि बंद हो गया है, वो है नहीं, तो हम लेट हो गए, लेकिन एक बार हम चेक करेंगे, है जी या नहीं, कोई बोल रहा है 12 तक है, कोई बोल रहा है नहीं है, लेकिन वो सेक्टर 11 में ही है, तो एक बार है कि एक बार चेक कर लेंगे, करोगे? हाँ, तो एक बार हम देख लेंगे, वो है नहीं है, और वो नहीं हुआ तो फिर हम द्वारका में कहीं भी चले जाएंगे ऐसे खाने पीने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। बट हुआ ये है, अभी हो गए हैं 6:30, और हुआ ये है कि राहुल कहीं मतलब फंस गया है, मतलब अब ये थोड़ा वो है, गुस्सा आ रहा है हम तो
गाने मत चलाओ। ये हुआ कि वो अपने दोस्त साथ कहीं गया था उसके किसी काम से, बट वो हो नहीं रहा है वो काम, और वो बोल रहा है टाइम लगेगा आने में। तो फिर दीपांशु मेरी बहन के घर आ गया था, गाने आ जाएंगे, दीपांशु मेरी बहन के घर आ गया था। तो फिर हम बोल रहे कि भाई ठीक है वो आएगा तो सीधा वहीं आ जाएगा, जहाँ भी हम जाएंगे हम चलते हैं, क्योंकि वेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है कि किसी की तुम वेट करते रहो बैठ के, वो सबसे बुरा लगता है। मतलब पार्टी तुम लोगों की थी, गाड़ी तुम्हारी थी बट कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल तो मेरा भाई और दीप आ रही है, शीतल आ रही है, उसके बाद हम अपनी गाड़ी लेके चलेंगे। है तो यही, राहुल बोल तो यही रहा है कि मैं वहाँ डायरेक्ट आ जाऊँगा, जहाँ भी तुम होगे बता देना। तो देखते हैं कि वो आता है या आएगा, तो बहुत अच्छी बात है, वरना उसको आज हरिद्वार भी जाना था 9 बजे, हमारा था कि हम 9 बजे तक आ जाएंगे फिर वो हरिद्वार निकल जाएगा, बट अब देखते हैं कि कैसे क्या टाइमिंग सेट होती है उसकी। फ़िलहाल तो अब हम पांचों हैं, रीति आ रही है और दीपू है, वो लेके आएंगे और फिर हम गाड़ी में चल के उनको ले लेंगे, अभी रास्ते में थे हमारे घर के बाहर से। तो ये प्लान है, अब वेट करके थोड़ा सा ये हो गया है कि यार पहले ही निकल जाते सही रहता, पहले कन्फर्म होती तो 5:30 निकल जाते, क्योंकि हमें 1 घंटा वेट करना पड़ा और अभी भी लेट हो रहे हैं। देखते हैं जैसा भी होगा मैं बताती रहूँगी। ठीक है तो वो आ गए, चलते हैं। राहुल का पता नहीं मुझे क्या क्या सीन है, बट हमारा सबका है तो हम अपने प्लान ख़राब नहीं करेंगे, हम ज़रूर जाएंगे घूमने और खाने पीने, क्योंकि मेरा भाई स्पेशल वहाँ से आ गया, अब उसको वापस भेजना तो वो बहुत ज़्यादा बेकार लगता, इसलिए हमने कहा चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, हमारा बुलबुल हो रहा है आज बुल का गेम रह गया, और बुल फिर भी जा रहा है ना जी, आज इन्होंने गेम का सेक्रीफाइस कर दिया। नहीं भाई एक दिन छोड़ देते हैं, ये रख लेना अपनी पॉकेट में, गिरा मत। वेलकम वेलकम। अरे ये इतना चुंदल बाबू कौन आया है? नमस्ते करते जल्दी जल्दी। अच्छा रीति तो ऐसा करता है, इसने तुरंत देखा है। रीति हाय, जय जय रीति, बचा लिया दीपू तू? ना बचाना ना, अब पूरे चलते आए 11 रीतु कैसे डांस कर रही थी, क्लैपिंग करके डांस करी थी, डांस करी थी, ऐसे डांस कर रही थी, कितना डांस करती है, कितनी चुईटी लग रही है मेरे दीपू, क्या पहना है ये रीतु, क्या पहना लोकेशन? हाँ जी कहाँ था? सेक्टर 11। फिर मेरी ला रही थी। अच्छा मैं देख रही हूँ कहीं तो मस्ती है मेरे बच्चो रितु बोल गई बोल गई बोल गई देख कैसे बैठ गई मैडम बन के दोनों बहुत दिन बाद देखे ना इसमें तो इसके मामा पहचान लिया तूने? वीडियो कॉल तो मुझसे ज्यादा करती है, तूने मामा है, मामा तो फोन में नहीं करता तेरे पास, कम सुन रहे हो मामा तो क्या है देख कम आ जाओ जानी बताइए, इसने सीधा इंग्लिश बोल ली है ना बेटा, ऐसे कहते मम्मा नो यस रिति रितिक्षा, ओहो पहचान लिया नाम, तू रितिक्षा है? अच्छा अच्छा शानी मस्त एंजॉय कराएगी इस टाइम, बिल्कुल कोमल लग रही है ना, कोमल लग रही है तो कोमल लग रही है तो चोर तो नहीं गिरेगी, नहीं गिरेगी बेटा, तेरे पर विश्वास नहीं है, अपना खुद सपोर्ट ले करके दिखा देना उसने डांस करके, जाओ मामू के पास जाओ, मामू खिलाएगा थोड़ी देर। ओ भाई नाचन लग गया मम्मा को छोड़ के डांस कर भाई, अपनी वीडियो देख के कौन खुश होता है, अपनी वीडियो देख के अब इसके दूसरे दूसरे फेवरेट वीडियो हो चुके हैं वो, अच्छा अपनी अपनी वीडियो, चल दो आदि एक मिनट चला दे गाना, चल पहले डांस चला दे एकदम, डांस क्यों मैंने देख रही है मैं बोलती
थोड़ी सोच रही है मैं कहाँ बैठी हूँ। हाँ तुमने देख कर फ्लैट हो इसने मम्मी की पहचान होगी अपनी। अभी हमने तो मतलब ना रख दिया मैडम। अरे मम्मी देख ठन 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 कर रही है, ये तो छोटी बढ़िया थी, भूल जाएगी ना। लेकिन हर महीने कैसे जाए मामू के घर, मौसी नानू के घर कैसे जाए हर महीने तुझे याद रखने के लिए? नानू बंद कर देगा गेट, हर महीने आ लेते हो तुम दोनों। रीति के बाद में देखो, ओहो अच्छा मत देख शीतल ने, शीतल बैठी ना यार, आपने देख रही है, बोलिए एक बार रितिक्षा बोलियो, मैंने बोल दिया रे, बोल एक बार दे बोलो ना आगे, देख क्या गाओगे रितिक्षा। हां के के हो गया जनुर, हो रही मुझसे तो बात नहीं, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे इसलिए कर रही है ये, मैंने धर्म मुझसे। तू तो बहुत बेकार होगी, तू छोटी सही उजड़ गए हैं, मतलब खत्म हो गया है। जिसने हमें बताया उन्होंने थोड़ा गलत बता दिया, उन्होंने कहा था 12 अप्रैल तक है, बट है नहीं, खत्म हो गया, ग्राउंड बिल्कुल खाली पड़ा है, तो क्या ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं, चलते हैं। अब वहाँ पे सामने दिख रहे हैं, वहाँ पे झूले लगे हुए हैं, झूली है जाकर बाज बाज ये रे, बट ये खराब हो गए, मतलब ये खराब नहीं है। हाँ ये सब लोग आए थे देखने, क्योंकि हो सकता है लोग बस रील लेट पहुंच रहे, हमारे पास तो रील बहुत जल्दी आ गई थी, बट हमें बस टाइम नहीं था आने का, कोई बात नहीं, नहीं मजाक में बोल रही हूँ, आपको थोड़ी ना बोल रही हूँ, टाइम की कमी तो ही नहीं सकती। चलो क्या कर रहा है भाई? बिल्कुल बढ़िया से शर्ट वर्ट पहन के, और इतनी और मासी तो कोट सेट पहन रही है ना बाबू, और इतनी मम्मी और भी कोट सेट पहन रही है, मैं और दोनों व्हाइट पहन रहे हैं, और स्काई ब्लू, स्काई ब्लू। हम आए हैं बर्गर खाने, क्योंकि इन लोगों ने ना दीपांशु ने और शीतल ने कभी नहीं खाए यहाँ के, तो हमें था कि हम इन्हें टेस्ट भी करा देंगे और हम भी खा लेंगे। अच्छा लग रहा है ना कोट सेट, है ना? हाँ सही लग रहा है। इन्होंने सिटिंग भी कर लिया, आप लोगों को याद होगा कि हम कब से आते हैं, तब तो ये था बढ़िया लग रहा है ना खा के देख। नहीं नहीं वो बढ़िया लग रही, वो पूछ रही हूँ वो कैसे लग रहा है। अब से कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी के बैठ के, ओहो ओहो खतरनाक है, कल बाल कटवा देगी फिर नहीं लगेगी खतरनाक। बहुत पास आ गए, वो कौन है इसकी जैसी, वो भी नहीं डरती जो आपके दोस्त की बेटी है, सीरत भी नहीं डरती। कुर्सी पे बैठ गई, कितने खुश हो, मम्मा बैठेगी बाहर, मैं बैठूंगी मैडम बन के। ओहो ओहो कर दिया ऑर्डर, अलग नौटंकी चल रही, पहले गोदी में रहा करती, पहले गोदी में रहा करती, अरे मेरे गोदी छोड़कर हर जगह रहना है। नमस्कार, क्या कर रही है बेबू? वेज पनीर चीज, वेज पनीर चीज टमाटो बर्गर है, वाओ
रितिक्षा को नहीं मिलेगा अब, रितिक्षा की माँ को भी नहीं मिलेगा। टिक क्यों इसकी बड़ी लग रही है, बैठ जा बैठ जा ना, चलो खा लेते हैं। बताना तुम लोग टेस्ट है कि कैसा है, आप लोग भी आओ तो द्वारका यहाँ आ सकते हो। चलो बढ़िया सा बर्गर खा के चलते हैं। ठिन कर रही है रितिक्षा बहुत, ठिन कर रही है बहुत। तू गलत पोजीशन पे थी बहन, कर लगी वो हाथ आगे और आजा मच्छर इतने आ गए ना अंदर, गोलगप्पे और खा गए बिल्कुल मजा आ गया ना। ये ना ऐसे जो ये रहते हैं ना आटे वाले, वो पांच फ्लेवर की क्या बढ़िया मजे आते हैं भाई खाके इसे। हाँ गोलगप्पे मोसा डांट लगाया था, नहीं रीति को पापड़ी मत दे वरना मोसे दे देती रीति को पापड़ी, पर मोसा को डर लगता है जंक फूड नहीं दे भी को। चलो भाई चाप पे, बट आज इतनी भीड़ है पूछो ही मत, मत पूछो कितनी भीड़ है। मिलेगी सीट, अभी बोल रहे थे कि नहीं मिलेगी सीट, नहीं मिलेगी, बट थैंक यू सो मच। तो देखो ये अब की बार किया हुआ है उन्होंने, ये ऐसे हल्का हल्का पानी आ रहा है ऊपर से, पता नहीं मच्छरों के लिए और शायद गर्मी ज्यादा इसलिए भी किए। काफी बढ़िया लग रहा है यहाँ पे और हम बैठ गए हैं। अब सोच रहे खाने ही आया है, लेकिन हाँ टाइम की कमी गई है वरना हम वेगस घूमते, बट अब 9 बज गए हैं, मेरे भाई को जाना है घर, टफी भी वेट कर रहा है, इसलिए हमें है कि हम खाना खा के निकल ले। हम दोनों तो कितना भी लेट गए यार, लेकिन बाहर ही है ना कि मेरा भाई भी है, ये भी है, शीतल भी है। अब राहुल बोला उन्होंने मना कर दिया कि रहने दे अब तो हम निकल रहे हैं, मता ये बोल रही है कि खा लो वो पी लो वो डाल दो मेरे में भी मस्ती। ये मेरी स्टार्टिंग की क्लिप ऐड होगी मेट्रो के साथ, दिखा अभी तो शुरू हुआ है, शुरू क्यों है इतना है और ये बिगड़े जा रहा है, मैं बताती हूँ। मैंने आपको आपसे समझाया थी ना एक बात, फिर भी आप नहीं मान रहे। तीन सब चीजों ले लिए मैंने, और तेरी मौसा तो लाएंगे नहीं, तेरी मौसी ने बोला मैं ही ले जाऊंगी, और ये बोल रहे थे दुनिया भर की बात है, बोलियो देख इसने माँ इसके मामू ने जीभ निकालनी सिखा दी रही। शाबाश, बस दो बार निकाली थी उसने। रितिक्षा रितिक्षा ऐसा बोल रहा है रितिक्षा, जीव निकालने सीख गई थी इधर ही। हाँ पता है मैंने बहुत दिक्कत करे राधे 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 कदे मामा तो कदे राधे 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 से कदे राधे 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 राधे। हम पहुंचने वाले बस घर, बाहर आ गए ना गाड़ी से, बाय बाय बाय, आराम से ना फोन कर देना घर पहुंच के, आराम से जाइयो आराम से फोन कर दियो आराम से। रितिक्षा बाय।
चलो। सो आ गई मैं घर, प्रिटी प्रिटी ड्रेस, फोन में बात कर रही। सही है, मैं चेंज कर लेती हूँ। ओके गाइस, सो घर आ गए थे हम और फिर काफ़ी देर तक बैठे पड़े कमरे में मम्मी पापा के पास, और अब आ गए हैं इस वाले रूम में। तो कल मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। मज़े आए घूम के, बस मेरा मेरे का सख्त था हमारा छोटा जाने का, लेकिन हम जा नहीं पाए और वो तो देख ही नहीं पाए। बस मुझे बुरा लगा कि कुछ लोग अगर किसी को ना पता हो तो प्लीज़ ना बताए करें कि कब तक हम देख आते, बट किसी ने इनको कहा कि 12 तारीख है और फिर हमारा रह गया, बट कोई बात नहीं, क्या है, ऐसी चीज़ तो थी। ये चीज़ सोच के अपने आप को मैंने समझा लिया कि नॉट अ बिग डील। और तो अभी हम देखेंगे बढ़िया सी मूवी क्योंकि कल है ऑफ और लेट तक सोएंगे आज। तो हम आपको मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, टाटा, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय बाय, सी यू लेटर।